आईटी स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इमर्जेंट सब्जेक्ट है, जिसकी नॉलेज होना आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है, जो भी आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन में बताया गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। और टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर इससे डेवलप किए जा सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टू कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया जा सकता है, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। यहाँ पर अदर डेफिनेशन भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, आई ट्रिपल ई की बात करें, आई ट्रिपल ई फुली डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई ट्रिपल ई के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। अगर इसकी बात करें, आई ट्रिपल ई कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है कोड्स का, डॉक्यूमेंट्स, ट्रिगर्स का, जिसको कि स्पेसिफिक जॉब के लिए और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए डेवलप किया जाता है। और इंजीनियरिंग एक डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, जिससे कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है बाय यूजिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। इसके बाद देखिए, अगर अपन बात करें कि डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हुए हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशनल पार्ट, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑपरेशनल पार्ट है, वो डिपेंड करता है फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इंट्रैक्शन, बजट एंड रिस्क, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है। अगर ट्रांजिशनल की बात करें, तो ट्रांजिशनल का मतलब होता है स्केलेबिलिटी, जो भी क्वालिटी कंस्ट्रेंट होते हैं सॉफ्टवेयर की, जो भी उसके अडेप्टेबिलिटी होती है, जो भी अपडेट होते हैं, वो ट्रांजिशनल में आते हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू, उसके कितने, उसके अंदर किसी भी तरह की एरर नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की बग नहीं होनी चाहिए, यूजर के लिए बहुत स्मूथ कंडक्शन होना चाहिए उसके कंटेंट्स का, और इजी गोइंग होना चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझाई गई है। नेक्स्ट, अगर अपन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स की बात करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, टीम लीडर होते हैं, उनके कितने टाइप के रोल यहाँ पर सपोर्टेबल होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। फर्स्ट होता है फ्रंट एंड इंजीनियर। फ्रंट एंड इंजीनियर होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है यूजर इंटरफेस के लिए, वो यूजर इंटरफेस डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको ऑप्टिमाइज यूजर एक्सपीरियंस यूज करना पड़ता है, जितने भी बग्स होते हैं बग्स को फाइंड एंड उनको रिमूव करना पड़ता है, और उसको ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइंट की चॉइस और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वर्क करें। नेक्स्ट होता है बैकएंड इंजीनियर। बैकएंड इंजीनियर मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डेवलपर, कोडर, प्रोग्रामर, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट डेवलपर, डिफरेंट वर्किंग ऑन सर्वर मीन्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे के सारे बैकएंड इंजीनियर में काम करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फुल स्टैक डेवलपर है, इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड बहुत जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, मीन्स कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसकी रेस्पॉन्स होती है। नेक्स्ट क्वालिटी एनालिस्ट इंजीनियर होते हैं, जो क्वालिटी पे बात वर्क
वर्कआउट करते हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड पे वर्कआउट करते हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद में डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर्स जितने भी जो भी सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर पे कंप्लीटली वर्क करते हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का और उन्हें डिफरेंट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की नॉलेज होती है, डेटाबेस सर्वर की नॉलेज होती है और वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डिफरेंट रोल वो प्ले करते हैं एज ए सिंगल पोजीशन। नेक्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियर। सिक्योरिटी इंजीनियर का मतलब होता है कि जितना भी यूज़र का डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा आ रहा है उसकी जो भी कोडिंग है जो भी प्रोसीजर्स हैं जो भी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन रूल्स हैं उन सबको एनालाइज करना और नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जितने भी यूज़र के डेटाबेस हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड एरर आ रही है उनको रिजॉल्व करना सिक्योरिटी इंजीनियर का वर्कआउट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। देखिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में आप वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड के आप स्टूडेंट हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू IEEE द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, प्रोसीजर्स का, रूल्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट एंड डेटा का और इसके अलावा सपोर्टेबल फाइल्स होती हैं सॉफ्टवेयर में जो कि हेल्प फाइल एंड exe फाइल, बैच फाइल, डिफरेंट टाइप की एक्सटेंशन फाइल होती हैं जो सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने में फंक्शनैलिटी में मदद करती है। इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर का काफ़ी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल इंटीग्रेटेड एंड मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करता है, जैसे अगर अपन बात करते हैं ऑफिस MS ऑफिस एक इंटीग्रल फॉर्म है या फिर अपन बात करते हैं ओला स्विगी फ्लिपकार्ट ये सारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में होते हैं और जितने भी कंप्यूटर और नेटवर्किंग कंपोनेंट होते हैं उनको ये मैनेज करते हैं। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो कंप्यूटर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा और प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर ऑपरेट और एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के काम में आ जाता है। लेकिन द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड बाई IEEE इसके अंदर आपके देखिए डिफरेंट मैंने यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रखा है कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से मेन यूजेज होते हैं और कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किए गए हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। अगर सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स की फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स होती है सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। मीन्स जैसे अपन देखते हैं हार्डवेयर वियर आउट हो जाता है या फिर हार्डवेयर पार्ट वियर आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर अपन विंडो की बात करें विंडो 90s से लेके अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, यूनिक्स की बात करें सी की बात करें जितने भी आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे उन करेंगे तो उसके अंदर आपके अपडेशन होते रहते हैं लेकिन वो आपके कभी भी वियर आउट नहीं होते हैं, उनके अपडेटेड फीचर आते रहते हैं वर्जन्स आते रहते हैं और वो लगातार वर्कआउट करते रहते हैं। ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली लॉजिकल गेम, तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो लॉजिकल गेम होते हैं, इसी कारण सेकंड करेक्टरिस्टिक्स कहती है कि सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है इसे डेवलप्ड किया जाता है, जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामर कोडर मिलके डेवलप करते हैं। थर्ड यूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि यूजर की चॉइस पे डेवलप किया जाता है, यूजर की फ्लेक्सिबिलिटी पे डेवलप किया जाता है, यूजर की प्रेफरेंस पे डेवलप किया जाता है और जिस तरह की
अपन सभी देख सकते हैं कि आजकल मोबाइल में, कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूजर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो कंप्यूटर जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और हर सिटीजन तक यूजेबिलिटी इसकी पहुंचनी जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सिटीजन के अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, कि सॉफ्टवेयर कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके सारे कंपोनेंट आउटडेटेड हो जाएं, सारे कंपोनेंट हमको डिलीट करने पड़े, एक्सट्रैक्ट करने पड़े, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेशन आता है तो उसके कुछ कंपोनेंट बग्स या एरर की वजह से हटाए जाते हैं, बट उन्हीं कंपोनेंट के कोड को यूज करके, रीयूज करके अदर कंपोनेंट जिनकी प्रेजेंट वे में हमको नीड है या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अकॉर्डिंग जरूरत है, उसको डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स कि फर्स्ट फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, सेकंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। आप देखते हैं कि आजकल सॉफ्टवेयर के लिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं सपोज कीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर ऐप यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है, या फिर अगर मैं ओला यूज कर रहा हूँ तो मुझे जीपीएस की नॉलेज होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सॉफ्टवेयर की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट, मेंटेन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल होता है। मींस मेंटेनेबल मींस जो भी एरर आती है, जो भी बग्स आते हैं, वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, उनका जो भी जितना भी इफेक्ट होता है सॉफ्टवेयर पे वो मिनिमम समय के लिए हो सकता है, बाकी उसे सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामर्स रिमूव करते हैं और मेंटेन कंडीशन में सॉफ्टवेयर को डेवलप करके रखते हैं। नेक्स्ट, पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होता है, उसको आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर किसी भी ऑफिस को कंप्यूटर पे यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ, मेरे टैब पे यूज कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अनुसार उनको डेवलप किया जाता है। फेसबुक अपन डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी चलाते हैं, अपने मोबाइल पे भी चलाते हैं, सेम इसके साथ है, व्हाट्सएप के साथ भी सेम फैसिलिटी है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा तभी यूजर उससे जुड़ेगा, यूजर आपके पेमेंट गेटवे से तभी पेमेंट करेगा जब उसे पूरी रिलायबल होगा वो सॉफ्टवेयर पे, कि मेरा डेटा कहीं ब्रीच नहीं हो रहा है, मेरा डेटा कहीं हैक नहीं हो रहा है, मेरा जो भी ट्रांजेक्शन है वो सेफ है। तो वो सॉफ्टवेयर पे तभी बिलीव करेगा जब रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर होगी। तो ये देखिए, मैंने आपको डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताए। अब मैं कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर की आपको जानकारी दे रहा हूँ कि किसी भी सॉफ्टवेयर के कितने कंपोनेंट होते हैं और किस किस ढंग से उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कॉम्पोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला इनिशियल कॉम्पोनेंट होता है सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम। बिना प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर का कोई भी, मीन्स सॉफ्टवेयर को कहते ही कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, तो प्रोग्राम इसकी बेसिक कंपोनेंट कहलाता है। सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी इसके सोर्स इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, हेल्प फाइल होती है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अगर ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप कैसे ही इसको, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे उसे रन किया जाएगा, कैसे डाउनलोड किया जाएगा, उसके जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ज्यादा, वो सभी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में इंक्लूड होते हैं और यूजर के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस मीन्स व्यू। जितना अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस होगा, जितना इजी यूजर इंटरफेस होगा, उसके कंपोनेंट होंगे, उतना ही वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और उतने ही उसके यूजर्स
इंक्लूड होंगे, जिस डिफरेंट टाइप के मोबाइल ऐप और अपन वेबसाइट में दे सकते हैं कि जिनके इंटरेक्टिव व्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ऐप या फिर सॉफ्टवेयर हुए हैं। नेक्स्ट, मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए मॉडल्स का बहुत बड़ा रोल है, वो भी देखिए एज ए कॉम्पोनेंट वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स, किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग मॉडल यूज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोलर। कंट्रोलर बहुत इफेक्टिव टूल है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का, जिसके अंदर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, कोई भी इवेंट आती है, तो उसको ट्रिगर के थ्रू किस तरह से वेरीफाई कराया जाएगा, किस तरह से उसका जो भी रेस्पॉन्स दिया जाएगा, एक्शन, पर्टिकुलर एक्शन लिया जाएगा, वो सारी की सारी जो भी फीचर्स हैं वो कंट्रोल में यूटिलाइज होते हैं। बिल पेमेंट और डिफरेंट टाइप के जो भी ऑप्शंस हैं, आप ओला और डिफरेंट टाइप्स के ऐप और जो सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं उसके अंदर इन चीज़ों को, कंट्रोलर्स को आप उसकी यूजेबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा असेस ऑब्जेक्ट्स, मीन्स जो डेटाबेस होता है वो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डेटाबेस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लोड करके रखी जाती है, जो भी यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, जो भी अदर अगर ई कॉमर्स एम कॉमर्स पोर्टल है तो इसके अलावा जितनी भी क्लाइंट की जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी सबकी डेटाबेस की डिटेल्स क्लाउड की फॉर्म में सेव करके रखी जाती है और बिग डेटा यूटिलाइज आजकल किया जा रहा है एज ए सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट, सर्विस, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड है किसी सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय ध्यान रखा जाता है, और जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो आपके सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं और उस उन सर्विसेज को इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज द प्लगइन्स। प्लगइन्स जो भी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड किया जाता है और जिन कंपोनेंट के थ्रू वो एक्सटेंड होती है सिस्टम या एप्लीकेशन पे, वो प्लगइन्स कहलाते हैं। लास्ट इज द एपीआई। आप एपीआई को बहुत ज़्यादा जानते हैं कि जो भी मल्टीपल सिस्टम मल्टीपल एप्लीकेशंस एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू जो मूवेबल मोबाइलेबल होती हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि अपन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, वो एपीआई प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहलाता है। इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की अपन बात कर सकते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने टाइप की एप्लीकेशन होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जानकारी लेंगे कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर